हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पर डॉल केक की पूरी रेसिपी को बताया है और ये देखिए आप, और बहुत ही कम सामान में हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 12 ब्रेड के स्लाइस ले लिया है बड़े साइज के, और इसे ऐसे कटोरी को उल्टा करके इसे गोल शेप में काट कर रख लिया है। तो मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस को थोड़ी सी बड़ी कटोरी से और 4 स्लाइस को थोड़ी सी छोटी कटोरी से शेप ऐसे गोल काट कर रख लिया है, और इसी तरह से हम सारे ब्रेड को ऐसे काट कर रख लेंगे। इसके बाद आप इसमें डॉल केक को हमें खड़ा करना है, तो इसलिए आप बीच में या तो नाइफ की सहायता से या आपके पास ऐसा रिंग है तो आप इसे बीच से ऐसे सारे स्लाइस को गोल गोल काट कर रख लीजिए। अब इसमें हम शुगर शायरब बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ले लिया है और 1 चम्मच शक्कर ऐड करके शुगर शायरब बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम विप क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर इजी विप क्रीम ले लिया है और इसे बीटर से बीट करके और क्रीम को तैयार कर लिया है। अब इसी से हम थोड़ा सा डॉल केक के लिए फ्रॉक तैयार करने के लिए हमने ब्लू कलर ले लिया है, फूड कलर 1 ड्रॉप, और इसे हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम में ऐसे ऐड करने के बाद ब्लू कलर तैयार कर लेंगे, और इन सबको हम कॉर्न में भरकर अलग रखेंगे। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा क्रीम अप्लाई किया, एक स्लाइस रखा, उसके ऊपर हम ऐसे व्हिप क्रीम अप्लाई करेंगे, और प्रॉपरली आपको ऐसे अप्लाई करने के बाद आपको ऐसे गोल गोल लगाते हुए एक स्लाइस में पूरा ऐसे अच्छे से क्रीम लगाना है। सेम प्रोसेस से हम दूसरे स्लाइस को रखेंगे, और उसके ऊपर भी हम पहले शुगर सायरप अप्लाई करेंगे ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से चिपक जाए और थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है वो अच्छा है। बस ये दूसरे स्लाइस को रख दिया है, इसके ऊपर भी हम सेम प्रोसेस से पहले स्लाइस रखेंगे, फिर थोड़ा सा शुगर सायरप अप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर हम व्हिप क्रीम अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे 12 स्लाइस को अच्छे से ऐसे कंप्लीट करके और रख लेंगे। तो ये देखिए आप, मैंने सारे स्लाइसेस को ऐसे लगाकर रख लिया है। इसी तरीके से हम फ्रॉक का शेप देने के लिए हम व्हिप क्रीम को नीचे की साइड से थोड़ा सा चौड़ा करके लगाएंगे और ऊपर आपको थोड़ा सा पतला करके लगाना है। तो इसी तरीके से हम व्हिप क्रीम को पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए आप, ऐसे करके आप इसे अच्छे से पहले क्रीम को पूरे अप्लाई कर लीजिए। अब हमने ये डॉल ले लिया है, कोई भी डॉल ले सकती हैं आप, मैंने यहाँ पर घर से ही जो बच्चों का डॉल है उसे ले लिया है, और इसके ऊपर आप ऐसे फ्रॉक के शेप में कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए। तो ये मैंने पहले ऊपर का फ्रॉक का शेप बना लिया है ब्लू कलर से। इसके बाद हम इस डॉल को इस केक में ही खड़े करेंगे। तो बस ये ऐसे लगकर तैयार है। तो अब हम इसको, आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो बस इसी तरीके से आप ऐसे ऐसे लगाने के बाद व्हिप क्रीम को आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है, ये देखिए आप ऐसे, और आपको फिर ऐसे ऊपर से कम क्रीम को अप्लाई करना है और नीचे साइड में आपको चौड़ा करना है ताकि जो फ्रॉक का शेप है वो प्रॉपरली आ जाए। तो बस ऐसे गोल गोल घुमाते हुए आप अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर लीजिए। फिर मैं कौन से थोड़ा सा क्रीम नीचे से और लगा लेंगे ताकि जो फ्रॉक है वो प्रॉपरली गोल राउंड शेप में बन जाए और नीचे से हल्का सा चौड़ा शेप रहे, तो फ्रॉक जो है वो अच्छी बनेगी डॉल केक की। तो ये देखिए आप, कितने बढ़िया से ये क्रीम को ऐसे अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा हम कॉर्न में भरकर और क्रीम को पहले नीचे से अप्लाई करेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए मैंने नीचे से क्रीम का शेप देते हुए ऊपर तक अप्लाई कर लिया है, और ऐसे चाकू से आप प्रॉपरली उसे जमा लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए आप, मैं अभी आपको दूर से भी दिखाती हूँ, पहले पास से दिखाती हूँ कि कैसे आपको ऐसे फ्रॉक को डेकोरेट कर लेना है। तो ये पूरी फ्रॉक इसकी तैयार है। तो अब हम डॉल का फ्रॉक तैयार हो गया है, तो इसमें कोई भी डिज़ाइन दे सकती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से इसके बॉर्डर का डिज़ाइन दे दिया है। सेम प्रोसेस से मैं थोड़ा सा ऐसे आधा बॉर्डर तक ऐसे ब्लू कलर का डिज़ाइन दूंगी, और इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर अलग कलर देंगे। तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर पूरा कंप्लीट कर दिया है ऐसे फ्लावर शेप में बनाकर। थोड़ा पास से दिखाती हूँ, फिर हम थोड़ा सा इसको पूरा देखेंगे। तो ऐसे करके आप कोई भी शेप में इसे देखा तैयार कर सकते हैं। फिर नाइफ की सहायता से मैंने प्रॉपरली इसमें एक ऐसे डिज़ाइन दे दिया है। फिर इसमें रेड कलर लिया, रेड कलर को भी हल्का सा इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करने के बाद आप चाकू से उसे जिकजैक करके ऐसे ब्रश कर लेंगी तो कलर जो है वो पूरे में अच्छे से फैल जाएगा। तो कम कलर में ही आप इसे या कम क्रीम में ही आप डॉल केक को बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसी तरीके से हमने सेम प्रोसेस से थोड़ा सा
व्हिप क्रीम में रेड कलर से तैयार कर लिया था इसकी बॉर्डर बनाने के लिए। और इसे ऐसे पॉइंट पॉइंट करने के बाद हम इसमें ऊपर की तरफ खींचते हुए इसमें डिज़ाइन दे देंगे। तो ये देखिए आप, मैंने ऐसे जिग जैग वाले सांचे से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे खींचते हुए इसमें शेप दे दिया है। तो इससे ये डॉल केक जो है वो उसका जो फ्रॉक है वो बहुत अच्छी डिज़ाइन से बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए, मैंने इसी तरीके से सारे जो फ्रॉक का शेप है वो बनकर तैयार है। तो हम इसे हल्का हल्का आप ऐसे प्रेस करते हुए कोई भी शेप या कोई भी डिज़ाइन आप फ्रॉक में दे सकती हैं। तो इस तरह से हम फ्रॉक को पूरा डेकोरेट कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप ऐसे कट का निशान लगाइए या फिर खींचते हुए इसमें कोई भी शेप देकर फ्रॉक का या कोई भी डिज़ाइन देकर आप फ्रॉक को पूरा तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए आप, मैंने इसे पूरा बनाकर तैयार कर लिया है और ये डॉल केक बनकर तैयार है। इसके फ्रॉक में हल्के हल्के ऐसे बूटे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने नॉर्मल सिंपल जो घर में टॉय डॉल है उसे ही केक बनाने के लिए यूज़ किया है, और आप इसे कम सामान में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से ऐसे स्प्रिंकल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कलरफुल स्प्रिंकल ले लिया है और इसे फ्रॉक के ऊपर अच्छे से ऐसे अप्लाई कर दिया है, जिससे इसका फ्रॉक का जो कलर है और सुंदर हो गया है। अब हम डॉल का हेड लगा देंगे। पूरा केक आपका तैयार हो जाए तभी आप इसका हेड लगाइए, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा। तो बस यही लगाकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए, हमारी प्यारी सी डॉल केक बनकर तैयार है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।